दोस्तों थे क्या हो एनी स्टाइल में आप सबरो स्वागत है। दोस्तों आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करूंगी जो वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं है। पॉल्यूशन और तेज धूप में हमारे हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, साथ ही हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। हेयर बहुत ज्यादा रूखे सूखे डैमेज होने लग जाते हैं और बालों की ग्रोथ रुक के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लग जाते हैं। जब भी हम हेयर में कंघी करते हैं तो बालों को इतने सारे गुच्छे हमारे हाथ में आते हैं। तो गाइस ये हेयर ऑयल हेयर को सॉफ्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही बालों को घना लंबा और काला बनाता है। आंवले में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें काफी विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये हेयर को घना लंबा और काला बनाते हैं, हेयर को सॉफ्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपके हेयर की ग्रोथ रुक गई है तो हेयर की ग्रोथ वापस स्टार्ट होगी, साथ ही डैमेज हेयर को सॉफ्ट बनाते हैं। एंड गाइस ये आपकी रूट से हेयर को नरिशमेंट देते हैं। असली और चोखे आंवले तेल री पहचान है डाबर आंवला तेल। ये आप पिक देख सकते हैं, ये एक हेरिटेज ब्रांड है। मार्केट में कई आंवले तेल के ब्रांड मिलते हैं, जब भी आप इसे खरीदें तो अब आप इस पिक को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये ओरिजिनल पिक है। गाइस इस हेयर ऑयल को आपको सप्ताह में 3 बार यूज करना है और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे 2 बार भी यूज कर सकते हैं। और इसको लगाने का प्रोसीजर बहुत ही कम है, इसको आपको 2 घंटे तक अपने हेयर में लगाना है जिससे आपके हेयर की पहुंच सके। और उसके बाद कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो आप यूज करते हैं उससे आपको अपने हेयर को वॉश करना है और कंडीशनर करना है। तो मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताती हूँ, किस तरीके से इसको आपको लगाना है जिससे ये आपके हेयर के रूट्स तक पहुँचे और आपके हेयर की ग्रोथ बढ़े। गाइस मैं इसे आपको लगाने का तरीका बताती हूँ कि इसे आपको किस तरीके से लगाना है। इस हेयर ऑयल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे जिससे ये हमारे हेयर में अच्छे से लग सके। इस तरीके से आपको इसे बाउल में निकाल लेना है। काफी अच्छा हेयर ऑयल है, आप इसे एक बार जरूर यूज करके देखना। एक बार में ही आपके जो रूखे हेयर हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपको इसे लगाना है। हेयर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए जिससे ये आपके हेयर में अच्छे से लग जाए। और जब भी आप हेयर ऑयल लगाएं तो हरदम कॉटन से लगाइए जिससे वो आपके बालों की जो जड़ है वहां तक पहुंच सके। कई बार हम हेयर जल्दी जल्दी में हाथ में लेकर यूं लगा लेते हैं जिससे वो हमारे हेयर के रूट्स तक नहीं पहुंचता। तो आपको इस तरीके से इसे आपको डीप करना है और ऐसे इसे आपको लगाना है। डीप डीप करते हुए आपको इसे लगाना है। जिससे ये आपकी हेयर की ग्रोथ तक अच्छे से पहुंच सके। साथ ही मैं ये भी कहूंगी इसकी जो फ्रीग्रेंस है वो इतनी अच्छी है, कई बार लोगों के बालों में पसीने की स्मेल आती है तो इसको लगाने के बाद आपके बालों में पसीने की स्मेल भी नहीं आएगी। सो गाइस इस तरीके से लगाने के बाद जब ये आपकी हेयर की जड़ों में अच्छे से पहुंच जाए तब आपको फिंगर से इस तरीके से करना है जिससे ये चारों तरफ फैल जाए। गाइस फिर आपको इस तरीके से पूरी तरफ लगाना है। आपके जो झाड़ू जैसे जो बाल हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे एक बार में लगाने से, आपको इतने अच्छे फर्क महसूस होंगे। अगर आप इसे नाइट में लगाकर सोएंगे तो इसको और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये आपके हेयर की जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आपको इसे अपने पूरे हेयर में लगाना है। इस तरीके से आपको लगाना है। आंवले में काफी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारी हेयर की ग्रोथ को तो बढ़ाते हैं साथ ही हेयर को काला करते हैं। तो गाइस इसे आप जरूर यूज कीजिए, इस तरीके से आपको इसे अपने हेयर में लगाना है। और लगाने के बाद बालों को इस तरीके से आप बांध लीजिए।
आप चाहे तो एक हॉट टॉवल्स भी ले सकते हैं। एंड गाइस, इसे 2 से 3 घंटे तक आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से हेयर को वॉश कर लीजिए। इस 3 घंटे बाद मैंने अपने बालों को धो लिया है। आप खुद देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं। अगर आपके हेयर भी बहुत ज्यादा डैमेज या रफ है तो इसे आप आज ही से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 1 मंथ में आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज, आप ना मारो चैनल केन लागियो, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और इसी टाइप का ब्यूटी टिप्स देखना वास्ते हमारे येनी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।